सस्पेंड अकाउंट, ठीक है। तो आखिर यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है और किस चीज़ को लेकर ये बता रहा है वो चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम जानेंगे कि आखिर इस तरीके की जो प्रॉब्लम है हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करता हूँ अकाउंट वाली, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर दूसरी आईडी है, तो मैं चलिए यहाँ पर दूसरी आईडी को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक्चुअली में दिक्कत किस तरीके से आ रही है, जैसे कि ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये बता रहा है कि आखिर कौन सी रील है वो सबसे ज़्यादा चल रही है। इसी के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ब्रांड कनेक्ट और जो कि ऐड है, ऐड टूल और पेमेंट गिफ्ट मोनेटाइजेशन एक्टिविटी। तो आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, अगर आप एक बिजनेस अकाउंट होगा तब ठीक है। तो इससे यह है कि जो आपका पैसा है जो भी आएगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये रुकिए, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम अभी आपको पैसे दे रहा है वीडियो डालने के, ठीक है। इंस्टाग्राम कोई भी पैसे नहीं दे रहा है। अगर आपसे कोई भी ऐसा बोल रहा है कि इंस्टाग्राम पैसे दे रहा है वीडियो बनाने के, ठीक है, तो वो एकदम बिल्कुल गलत बोल रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आखिर पैसे मिलते किस चीज़ के हैं, सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ये जान लेते हैं। इंस्टाग्राम पर पैसे मिलते हैं गिफ्ट के, ठीक है, जो कि आपकी वीडियो देखकर अच्छी लगती है लोगों को, तो वहाँ पर वो गिफ्ट दे देता है, ठीक है। वो किस तरीके से देता है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जिस चीज़ को लेकर आप वीडियो देख रहे हैं उस चीज़ के बारे में हम सीख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें यहाँ पर मिल जाता है ऐड टूल, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है, जैसे कि इस आइकन पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, ऊपर में आपको साफ साफ देखने को मिल गया है अकाउंट यानी कि सस्पेंडिंग लिमिट, ठीक है। जो कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने कभी भी ऐड चलाए होंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू, ठीक है, अगर आपको ये कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि फेसबुक में भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है, तो अगर आपने कभी भी ऐड चलाए होंगे, ठीक है, किसी भी रील को आपने यहाँ पर बूस्ट करवाया होगा, ठीक है, यानी कि ऐड के तौर पर आपने रील को रन कराया होगा यानी कि दिखाया होगा लोगों को, ठीक है, तो वो उसकी जो अमाउंट है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तब आपके सामने यहाँ पर आ जाता है अकाउंट सस्पेंडिंग लिमिट, ठीक है। कहने का मतलब है जो आपने पैसे यहाँ पर लगाए थे वो यहाँ पर लिमिट पूरी हो चुकी है, सस्पेंड कर दिया गया है। जे आपका यहाँ पर आता है जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। जितने समय के लिए आपने जो पैसे यहाँ पर पे किए थे और जो भी लिमिट थी जो आपके पैसों की वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है, तो ये आपका पूरी तरीके से सस्पेंड हो चुका है। तो इसमें आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ब्रांड कनेक्ट पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है मोनेटाइजेशन का यानी कि इजिबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में अगर आपका यहाँ पर मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हुआ है, अब ये क्यों होता है वो चलिए हम जान लेते हैं। कोई वीडियो ऐसी डाल देते हैं जिसकी वजह से जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है इंस्टाग्राम की, ठीक है, वो हमारी वीडियो फॉलो नहीं कर पाती है। अब ऐसे में यह है कि जो आपकी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी है, ठीक है, वो आपकी वीडियो यहाँ पर फॉलो नहीं करती है, तब जो आपका इंस्टाग्राम का मोनेटाइजेशन अकाउंट है वो यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में यह है कि आप यहाँ पर अपना दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट बना लीजिएगा, नए सिरे से, नई ईमेल आईडी से और नए मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। उस जैसे ही आपके 100 फॉलोवर्स हो जाते हैं तो आप यहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, और आप सारे काम फिर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसी के साथ में अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आखिर आपका किस वजह से यहाँ पर सस्पेंड किया गया है जो आपका मोनेटाइजेशन है, तो इसके लिए चेक करने के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका है, आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे, थ्री लाइन पर सिंपली क्लिक करेंगे और नीचे से आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, हेल्प पर जाएंगे। हेल्प पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा सपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट्स, ठीक है, जो आपकी रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, वो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस चीज़ को लेकर यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है आपकी वीडियो पर, आपकी फ़ोटोज़ पर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तभी जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पर सस्पेंड किया जाता है। तो इस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।